हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैद्यनाथ का बिलवादी चूर्ण के बारे में, जो कि डायरिया या बार बार मोशन आनी या पेट में मरोड़ होना अन्य पेट की बीमारियों में काफी फायदेमंद है। हम वीडियो में इसके फायदे, इसको यूज कैसे करना है, कौन कौन इसे यूज कर सकता है और इसका प्राइस क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इन्हीं सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। ये ₹120 में 60 ग्राम आता है। दोस्तों, अगर आपको मैं बता दूं, जो दूसरी कंपनी के बिलवादी चूर्ण आते हैं उनमें इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं, तो उसमें कुछ आपको फायदा पहुंचा सकते हैं और कुछ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जो बिलवादी चूर्ण है बैद्यनाथ का, ये बहुत ही इफेक्टिव है। यह कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और ना ही हम बैद्यनाथ को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी है सिर्फ वह आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं या फिर अगर आप इसे घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। बिलवादी चूर्ण का पेट से संबंधित बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको अगर दस्त लग जाते हैं, डायरिया और साथ में अगर ब्लड भी आता है, तो उस कंडीशन में आप बिलवादी चूर्ण को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आईपीएस की भी प्रॉब्लम है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, खाने के बाद तुरंत टॉयलेट आता है, आपको दिन में 3 से 4 बार टॉयलेट जाने की प्रॉब्लम है, तब भी आप इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका अगर मल पतला आता है और जब आप मल करते हैं तो फ्लश की सीट पर चिपक जाता है और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी बिलवादी चूर्ण लेने से काफ़ी फायदा होता है। इसके अलावा आपका कच्चा दिल रहता है, उल्टी करने का मन करता है, तब उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मल में म्यूकस आता है और मल करते टाइम पेन भी होता है, तब उस कंडीशन में भी आप बिलवादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिलवादी चूर्ण आपके डाइजेशन सिस्टम को भी बूस्ट करता है और जो हमारे पेट में एंजाइम होते हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वही हमारे खाने को पचाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जो बिलवादी चूर्ण है वो हमारे पेट पर ठंडा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हमारे जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो ठीक रहती है और जो हमारा खाना है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी करता है और पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती हैं उनको ठीक करने में बहुत असरदार है। बिलवादी चूर्ण बहुत अच्छे आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छे फायदे करता है। दोस्तों, बात करते हैं इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, यानी कौन कौन सी औषधियाँ मिलाई गई हैं जिससे ये बिलवादी चूर्ण तैयार किया जाता है। तो इसमें बिलवा, मुस्टा, ददिकी, मुकारसा, पठा और सोंठी, ये सब इसमें मिलाए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इसकी डोज किस तरह लेनी है। दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट से मिलाकर बनाया गया है, जो आपके पेट के रोगों के लिए काफी फायदेमंद है। देखा आपने इसके कितने सारे फायदे हैं। तो अगर आप बात करते हैं कि इसको आपको लेना कैसे है, तो आप खाना खाने के आधा घंटे के बाद आधी चम्मच इसको ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल नॉर्मल पानी के से आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसे दिन में एक ही बार इस्तेमाल करना है। अगर आपको फायदा नजर नहीं आता तब आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इसे कौन कौन ले सकता है, तो इसे हर कोई ले सकता है, मैन और वुमेन दोनों इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडीज को इसे नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ ही आप इसे यूज करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर आपके कोई हेल्थ इशू है या आपकी कोई दवाई चल रही है, तो उसके साथ आप एक बार अपने डॉक्टर के साथ कंसर्न कर लें, उसके बाद ही आप इसका यूज करें। तो ये थी बैद्यनाथ की बिलवादी चूर्ण के फायदे। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।